गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने मनु को बोला आज से साथ में गुड मॉर्निंग करना है, साथ में गुड नाइट करना है, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत पहले बोला हुआ था साथ में गुड मॉर्निंग साथ में गुड नाइट किया करो। और मेरे पास एक कमेंट आते हैं कि आप मनु जी को बोलने नहीं देते। अब आज सारे ब्लॉग में मनु जी बोलेंगे, ठीक है? आज आप नहीं गाइस, कोई बात नहीं, ये बोले या मैं बोलूं बात एक ही है, कोई बात अलग नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बाकी कोई बात नहीं, आप ऐसे कमेंट मत किया करो। ये बोलती है मुझे अच्छा लगता है, इनकी आवाज मुझे अच्छी लगती है सुनने में। ओके, सो अभी बस हम लोग जा रहे हैं नीचे, थोड़ा हम लोग ना व्लॉग्स वगैरह देख रहे थे, मम्मी का देख रहे थे, भाभी का अपना व्लॉग देखा। अब हमने कहा चलो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर ये अपनी शॉप पे जाएंगे। मैंने आगे कहा अभी आज का तो कुछ भी प्लान है, मैं वही बोल रही मम्मी को आज ना हम ना एक काम कर लेते हैं, आज हम झूमर ले आते हैं, ठीक है? झूमर का कर लेते हैं। और भाई क्या कहते हैं, पापा ने ना कल लाइट्स के लिए बोल दिया, लाइट्स यहाँ पे बहुत कम है तो लाइट्स के लिए बोल दिया है। तो मैंने कहा एक दिन इलेक्ट्रिशियन आएंगे ना ये, और वॉशरूम में ना वो सब चाहिए, टूथब्रश होल्डर चाहिए, एक वो टॉवल हैंग करने दो जो चाहिए ना, वो लिखते रहो तुम बस। नहीं वो तो याद ही है मेरे को ना वैसे, और एक साइड वाली शेल्फ चाहिए, ये तीन चीजें वॉशरूम में चाहिए। मैं कहा एक ही दिन इलेक्ट्रिशियन भैया आएंगे ना वो सारा काम ये निपटा, हाँ, वो तो उसी दिन होगा। एक ही दिन पहले सामान आ जाए ना, उसके बाद भैया को, फिर इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला लेंगे। और कल कराते हैं वॉलपेपर का काम, है ना? फिर जो और कर्टन्स, मेन तो कर्टन्स है, खिड़की है उधर भी खिड़की है, कर्टन्स ही नहीं है हमारे घर में, तो धीरे धीरे वही काम निपटता रहेगा। तो फिलहाल तो अभी हम लोग जाते हैं नीचे, सो आइए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। सो अभी बस ब्रेकफास्ट अपना मतलब रेडी किया है, तो आज बने हुए थे घर पे टोस्ट, और साथ में मैंने ये मिल्क ले लिया बॉर्नविटा वाला। ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम हम स्टार्ट करते हैं। भाभी कैसी है? बस बढ़िया। और थकान उतर गई रात की? हाँ। पार्टी कैसी लगी थी? बहुत अच्छी पार्टी रही थी, मजा आ गया। कहे फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है ना तो और मजा आता है। तो आज अब डिनर देखो आपकी साइड से हुआ था, अब हाँ। लंच मेरी साइड से है, तो आज मैं बना रही हूँ। अब ये मिक्स वेजिटेबल की तरह चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, कभी आपके यहाँ से कभी यहाँ से, बस यही है। तो मन्नू ने मुझे बोल के गए थे आलू मटर पनीर, और मम्मी का है बनाना, मम्मी के अंदर ही है। कांता मम्मी कहाँ हो आप? आज सुबह दिखे नहीं हूँ कांता मम्मी, छोटी बहू आज आपकी आलू मटर पनीर की सब्जी बना रही है, आज हम छोटी बहू के हाथ से खाएंगे। मैंने कहा मुझसे मेरे हाथ से, आज वो कहती मेरे हाथ की बनी हुई सब्जी और रोटी खाना। चलो पूजा, आज ऑल बेस्ट आपको सब्जी बनाने के लिए, विशेष दे रहे हैं आपको बहुत बहुत कि हमेशा हरी भरी सब्जी बनाए और हरी भरी रसोई रहे आपकी। जरूर जरूर, ठीक है बेटा। हाँ जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। हाँ जी, आ गया। क्या बनाया आज? किसने बनाया? पूजा ने। कौन बन रहा? अच्छा आपने बनाया? अरे क्या बात है, आज तो खाना खाने का मजा ही अलग आया। क्या बनाया? अभी तो ये आलू मटर डले हुए हैं, ठीक है? अभी पनीर डालेंगे इसमें, तो इसको फाइनल टच दे देंगे। क्या बात, 5 मिनट जो और रहेंगे। ओके, क्या बात है। पतिदेव जी रोटी खाइए, आज सब्जी बन गई है, रेडी हो चुकी है सब्जी। हाँ जी, तो गाइस मैंने बनाई है आलू मटर पनीर जो आप बोल के गए थे। तो गाइस आज मैं एक रोटी फालतू खाऊंगा जो कि मेरी बीबी ने बनाई है मेरे हाथों से, तो आज okay. तो बनता है। हाँ, रोज बनता है। हाँ, वैसे कह रहा हूँ आज पहली बार बनाई है ना। हाँ, मम्मी भी बनाने कहाँ दे रही है। नहीं तो आज नंबर आ ही गया है, एक रोटी ज्यादा एक्स्ट्रा खाऊंगा। आप दो खाइए, चलो टेस्ट तो कीजिए पहले। अरे मैंने बनाई है भाभी, बिल्कुल आई विटनेस है, बिल्कुल भाभी भाभी मम्मी सब दे। चलो पास हो गई, फेल हो गई? मैं कह रहा हूँ 100 में 200% पास हो गई। अच्छा 200%। चलो पास। क्लैपिंग अभी परी होती परी की चाची। हाँ चलो खा लो आराम से आप। तो गाइस मैं ऊपर आई थी और लंच करके मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम। अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल, ये जो मेरे नेल्स है, ब्राइडल नेल्स है, देख सकते हैं ये ऊपर आ गए हैं, बिकॉज मेरी नेल ग्रोथ है वो बहुत बहुत फास्ट है, तो इतने टाइम टिक गए मैं तो फिर भी इसी में खुश हूँ, इतने टाइम टिक गए मेरे नेल्स, वरना मेरे 10-12 दिन से ऊपर मेरे नेल एक्सटेंशन कभी भी सर्वाइव नहीं करते। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने हेड वॉश किया ना, ये ऊपर उठ रहे हैं,
तो इसमें ना बाल अटक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहे हैं। मैंने कहा वो करवा कर ही आती हूँ। सो ये वाला मैंने सूट वेयर कर रखा है और ये पाकिस्तानी सूट मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मुझसे पूछते ही रहते हैं लोग कहाँ से लिया। वेरी वेरी प्रिटी सूट। सो ये नंदा कलेक्शन से ही है। इसके लिए भी मुझसे पूछ रही थी हील्स कहाँ से लिए है। सो ये हील्स जहाँ से मैंने लिए है वहाँ पे, उनका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वेरी वेरी प्रिटी हील और बहुत बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सो फिलहाल तो मैं जाती हूँ नीचे एंड निकलती हूँ। मनु को मैंने बोला वह लेने के लिए आ जाएंगे। एंड गाइज, आपने मतलब नोटिस किया है मेरे हेयर ग्रो ना बहुत अच्छी हो रही है, मतलब लाइक टचवुड ऐसे ही बढ़ते रहे और लंबे हो जाए, बिकॉज मेरे जो पहले हेयर थे वो बहुत बहुत लंबे थे। तो मैंने एक बार मैंने बता ही रखा था, मैंने एक बार ब्लॉन्ड करवाया था। ब्लॉन्ड करवाने के बाद उसके बाद तो फिर मेरे हेयर सर्वाइव ही नहीं करे, चॉप 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 बस यही होता रहा। सो फाइनली अभी इतने जाके इतने हेयर ग्रो हुए हैं, मैं तो इतने में ही खुश हूँ। और गाइज, मेरे पास ना कमेंट्स आते रहते हैं कि अपना आपका जो मंगलसूत्र है वो बहुत बहुत सुंदर है, आप उसका प्लीज़ हमें एक क्लोजअप लुक दीजिए। सो वैसे तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार क्लोजअप लुक एक बार दिखा देती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द क्लोजअप लुक ऑफ माय मंगलसूत्र। आप ये देख सकते हैं, ये रहा पूरा का पूरा क्लोजअप लुक। सो वेरी वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। तो मैंने ना ऐसे ही वेस्टर्न में ही लिया है ये वाला ना, बिकॉज वेस्टर्न लुक भी रहे ये मैंने इसलिए लिया। मैंने ना डायमंड के भी देखे थे। सो डायमंड के ना मैंने जितने भी देखे, मुझे ना एडी वाली लुक आ रही थी, जैसे एडी के होते हैं ना मंगलसूत्र, वैसे आ रहे थे। बिल्कुल प्लेन ब्लैक वाली उनकी वो थी चेन और डायमंड का नीचे पेंडेंट से। दो दिन मैंने ये वाला देखा, गोल्ड का देखा। सो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज इसमें बीच बीच में ये देखिए बिल्कुल ऐसे में इसमें ऐसे चेन टाइप में भी दे रखा है और नीचे बहुत ही प्यारा सा बटरफ्लाई, बिल्कुल मॉडर्न वाला एकदम मंगलसूत्र था। तो मैंने कहा मंगलसूत्र भी हो गया, छोटू सा चेन से एक भी हो गया, तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। सो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। एंड ये मैंने लिया है यहाँ से, उत्तम नगर में ही है, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन मतलब अंदर की साइड आएंगे तो आर्य समाज रोड पे गुप्ता ज्वेलर्स है, वहाँ से मैंने ये लिया था। सो उनके पास ये डिज़ाइन मतलब अब तो हर जगह ही अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे प्रिटी प्रिटी डिज़ाइन होंगे, तो मुझे अपने लिए ऐसे ही लगा था और लेंथ भी मुझे इतनी सही लगी है। सूट्स पहनो चाहे वेस्टर्न पहनो, तो इसमें हर एक में विजिबल होता है ये मंगलसूत्र, तो एकदम मुझे अच्छा लगा था ये वाला। सो मैं आ चुकी हूँ अपने पतिदेव के शॉप में, वहाँ से मुझे देख रहे हो हाँ मैं बस जा रही हूँ। 70 rupees लगे थे इसके ना, ठीक है जो बस कब आती हूँ पहले, ठीक है फिर आती हूँ आपके पास, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए मैडम के लिए क्या मंगवाया है, इनका फेवरेट। पेरी पेरी फ्राइज मंगवाए, कोल्ड कॉफी मंगवाया शादी से आके पहले, फेवरेट चीज और हमने मंगाया ऐसे कभी। और याद है हमेशा पहले बोलते थे अब आगे मन्नू का खर्चा करवाने, अब तो अपने पति का खर्चा करवा रही हूँ, हक से करवाऊंगी। ये तो खाने पीने की इसमें क्या खर्चा, क्या हम खाए आते नहीं थे कमेंट्स, हाँ कोई भी खाए घर परिवार, तो इसमें क्या, अब तो हक से खाऊंगी, खाने पीने में कुछ नहीं होना चाहिए। जो कौन सा गोल्ड में खर्चा होता है, कपड़ों में एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, खाने पीने में कोई खर्चा नहीं होता। आप भी खाओ दबा के, आप भी खाए। ये इम्पोर्टेड वेलवेट के बोल। सो गाइस, हम बस डिनर करके अभी ऊपर ही आए हैं और हुआ यू कि नेल्स करवाने के लिए गई थी, बट जहाँ से मैंने करवाने थे नेल्स, सो उनके पास ऑलरेडी कस्टमर आए हुए थे। सो उन्होंने कहा कि हाफ एन आवर वेट करो, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैंने कहा मैं कल ही करवाऊँगी। एंड कह रहे थे कि इसमें ना इसको छोटे नेल्स करवा कर ना, जो पीछे से निकल रहे हैं मतलब जो ऊपर की साइड हो गए ना, इसमें कह रहे थे कि रिफिलिंग कर देंगे और ये नेल पेंट वगैरह चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे करवा लेते हैं, बिकॉज अभी न्यूली मैरिड है तो ठीक है ना, फिर पता नेल एक्सटेंशन हो जाते ना गाइज, फिर नेल मेंटेनेंस करने की ना टेंशन खत्म हो जाती है, तो सबसे अच्छा यही लगता है। सो कल जाके अब मैं ये नेल्स करवा लूँगी अपने, और बस अब ये वाला जो ब्लॉग है गाइज करती हूँ मैं यहीं पे एंड। एंड प्लीज़ जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करते रहिए। आज बहुत प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स आ रहे थे आप सबके, सो थैंक यू सो मच गाइज। येस, जब आप लोग मतलब आप में से कुछ लोग जो बुरे कमेंट्स करते हैं, येस इफेक्ट होता है,
हमें भी बुरा लगता है जब कोई ऐसे बुरा बोलता है, और जब अच्छा बोलते हो तो अच्छा ही फील होता है. सो इसलिए ये मैंने हमेशा ही बोला हुआ है, मतलब खुद भी पॉजिटिव रहे एंड अपने आसपास भी पॉजिटिविटी मतलब फैलाते रहे. सो हमारे चैनल पे भी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए. बस इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे, जाने से पहले मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा. मैं मिलती हूँ कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.